मुद्दों को जो है लेकर हम आ पहुंचे हैं ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफिस में जो है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में आता है। इन द मंथ ऑफ नवंबर में है, जनता के करोड़ों पैसा को खर्च करके यहां से चंद कदम दूर चंद मीटर फासले पर जो है पाके टाइगर रिजर्व पड़ता है, वहां पर जो है इंटायर कैबिनेट ने 5 पॉइंट क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर जो है उन्होंने एजेंडा तय किया है, जहां पर जो है कंजर्वेशन को और क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जो है यहां पे कैबिनेट मीटिंग किया है। तब आप यहां पे सवाल अब इसलिए उठता है बीजेपी सरकार से के ऊपर में, क्लाइमेट चेंज के इश्यू को लेकर आप जनता के हजारों करोड़ों पैसा खर्च करके आपके कैबिनेट मीटिंग बुलाता है। कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बावजूद भी यहां पर जो है सेजुसा जो पकेशन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहां पर जो है इलीगल माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। इससे इलीगल माइनिंग से लॉस क्या क्या होता है आपको हमारे जो जानता है उनको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इलीगल माइनिंग से जो है रिवर बेड का एरोशन बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जब आप नदी को जितना फोकलन लगा के जेसीबी लगा के जब आप उसको ट्रेंचिंग करता है, जब उनका जो उस नदी का बीच से जब आप बोल्डर को निकलता है तो वो जो गैप को फिलअप करने के लिए आसपास का जो नाला लोग है वहां का जो डेब्रिस जो है वो जो है उस गैप को फिलअप करने के लिए वहां से निकल के आता है, और जो नदी जो नाला लोग का डेप जो है भर जाता है, जिससे जो है इनहेबिटेंट जो आसपास नाला का किनार किनार में जो गांव जो बस्ती जो बसा हुआ है वो रेनी सीजन में एरोड होने का चांसेस रहता है। सेकेंड थिंग है आपका इक्वाटिक लाइफ, मेरिन जो इक्वाटिक लाइफ है, मछली हो गया, एक्वाटिक लाइफ हो गया, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको जितने भी जो बोल्डर्स है उसको जब निकल दिया जाता है, बोल्डर के ऊपर में जो फंगस लगता है उसको मछली खाता है, जब उस मछली का चारा नहीं बचेगा तो मछली का एक्वाटिक लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देख सकता है ये इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इलीगल माइनिंग एट पखे रिवर। जितने भी जो यहाँ के जो नाला है आप उसका हाइट को आप देख सकता है, कम से कम 15-20 फीट हो गया डेप्थ हो गया, जबकि ये नाला जो है इसका जिसका जो डेप्थ था मिनिमम जो है इसका मैक्सिमम डेप्थ जो इसका 1 मीटर हुआ करता था, मगर पके नदी में इलीगल माइनिंग होने का कारण से वहां में जब पके नदी से जब जो बोल्डर निकलने के बाद में उसका गैप को फिलअप करने के लिए ये नाला लोग का जो जितना भी जो सैंड ग्रेवल्स है जो गिट्टी बाली है वो जाके वो नदी में जो जाके जो है बोल्डर जो कलेक्शन करने के बाद में जो गैप पड़ जाता है उनको जो है रेनी सीजन में फिलअप करने का काम करता है, जिससे जो नाला का जो डेप्थ है वो बढ़ते ही जा रहा है। जो आसपास का जितने भी जो गांव है वो उनका कतरा बना रहता है, जब भी यहाँ पे जब बारिश होगा और नाला जो डेप्थ होते जाएगा और एरोशन का चलते जितने भी जो आसपास आस पड़ोस के जो घर है वो एरोडेड होने का चांस रहता है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग आरबीएम फ्रॉम नोटिफाइड क्वारी साइट। Conditions: the collection of RBM should be allowed from approved quarry of your range 0.8 hectare area. One forester should be deployed to supervise the extraction and see that no collection is allowed outside the approved quarry. Due preparation should be taken for river nala bank erosion and ensure that RBM are collected only from the center of the river nala bed, leaving 1/4 of the width of the river intact on each side. Only non-mechanized RBM collection is allowed from the quarry site. All precautionary measures should be taken to ensure that the neighboring forests are not disturbed and destroyed. यहाँ पर जो है डंपर्स का जो ड्राइवर है उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। भाई आपको पिछले साल भी मैंने देखा था आपको यहीं से आप बोल्डर कलेक्शन करते समय बम मिला था यहाँ से,
तो आप लोगों को जो टीपी जो है कहाँ से मिलता आप लोगों को? मतलब चालन 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 आप लोगों को सुपरवाइजर है। कौन सा जगह में? ये आप लोगों का केसर है, क्रेशर का, क्रेशर में जो सुपरवाइजर बैठा है ना, रेंज ऑफिसर लेता ना सुपरवाइजर से। अब लोग रेंज ऑफिसर लेके आता है, हम लोगों को दे देता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल देखिए, ऑन कैमरा में जो ड्राइवर जो है जो इन्वॉल्व था यहाँ से जो है बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व, उनका साफ साफ कहना है कि टीपी जो है एडवांस में जो है जो बॉर्डर में जो इन्वॉल्व जो कॉन्ट्रेक्टर है वो जो है इन एडवांस 4-5 दिन पहले ही एडवांस में चालन को जो है वो रेंज ऑफिस से लेकर जो है वो जो है यहाँ से आगे जो अब तक तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो प्रेशर है वहीं पे जो है वहाँ का जो मैनेजर जो है वहाँ ऑन स्पॉट में जो है वो इशू करता है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे जो है किस ढंग से चालन जो इशू किया जा रहा है। जो असम अरुणाचल का जो बाउंड्री है उधर से जस्ट 1.5 किलोमीटर ऊपर पर ऊपर में है ये जो पके नदी है, नदी के उस पार जो है पके बॉर्डर क्षेत्रीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोकलन लगाते जिस ढंग से जो माइनिंग किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग हो रहा है यहाँ पर जो है जिस बात की जो लाइफ है जो नदी का जो ठीक है उसको जो है पंद्रह से जो है रोका जा रहा है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ, पिछले बारी जब हमने इस इशू को लेके गैलन फॉरेस्ट डिवीजन के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको हमने जब उनसे बात किया कि आप जो है इस प्रकार से इलीगल माइनिंग जो है जब आपके डिवीजन में जब हो रहा है तो आप इसको क्यों नहीं रोकता है, तो उन्होंने एक ऑफ कैमरा में हमसे कहा था कि ये जो है ट्रेंचिंग का काम चल रहा बोला। ट्रेंचिंग से क्या होता है मैं बता दूं, जिस ढंग से यहाँ पे यहाँ का जो नदी का जो गिट्टी है बालू है उसको जब निकल दिया जाता है तो आजू बाजू से जो नदी जो ट्रिब्यूटरीज है जो नाला है उनका जो डेप्थ जो है भर जाता है, जिससे यहाँ पर जो है जितने भी जो इनहेबिटेड जो एरियाज है उनको जो है रेनी सीजन में जो है एरोजन होने का खतरा रहता है, बड़ा रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मोर देन 100 जो ट्रक्स है, 200 से भी ज़्यादा ट्रक्स है यहाँ पे लोडिंग का काम जो है सिलसिले से जो है चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसको जो है जब तक इस काम को जो है इलीगल माइनिंग को अगर यहाँ पर नहीं रोका जाता है तो सिजुसा के लिए और इंटर पकेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक बहुत ही पर्यावरण और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आगे जो आने वाला काल में जो है बहुत ही खतरनाक रहेगा। जिस प्रकार से जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम सजुसा में जो है पीतियर पके टाइगर रिजर्व में जो है अरुणाचल का जो इंटायर कैबिनेट में आके क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जो पके डिक्लेरेशन जो दिया है उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है जब तक यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग जो चल रहा है उसको अगर नहीं रोक देता है। तो इस पर जो है खुद चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जो को भी और जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी जो लोग इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। हम जो है आप पहुंचे हैं फायरिंग नाला में, हमारे कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए यहाँ पे जो है नैसिब तौर से इतना यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रहा है। अब किसी भी इंसान के सोच से परे है, ऑन रिकॉर्ड में ऑन कैमरा में आपको बता दूं कि लास्ट पिछले साल जो है यहीं से जो है लाइव बॉम्ब जो इसी इलाका से मिला था, जिसको यहाँ का बोल्डर जो है आपका होलोंगी का जो एयरपोर्ट बनता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसी इलाका से पिछले साल जो है लाइव बॉम्ब जो मिला था जिसको कि होलोंगी एयरपोर्ट में जो है वहाँ पर जो है समय रहते वहाँ के जो पुलिस प्रशासन जो है उसको से डिफ्यूज कर दिया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जितने भी जो लोग इन्वॉल्व है जो इलीगल माइनिंग में जो है ये लोग जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था जितने जो इंसान का जो जान माल है उसको खेल नहीं करते हुए, अब मेरा कैमरा पैन से कहूँगा आगे दिखाने के लिए वहाँ पे जो फोकलैंड को यूज किया है वो भी एक वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन का जो एक्ट में वायलेट करता है। उसके बाद में जिस प्रकार से जहाँ पर जो है परमिट इशू किया गया है
जिन लोगों को भी वोटर कलेक्शन के लिए जो इशू किया गया है उनको जो है डायरेक्टली क्लियर कट ऑर्डर में लिखा है कि वो लोग जो है कोई भी किसी भी तौर तरीका से जो है आपका जेसीबी नहीं लगा सकता, फोकलैंड नहीं लगा सकता, मगर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फोकलैंड का दर्रे से यूज किया जा रहा है। और मेरा कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए जो गवर्नमेंट जो नोटिफाइड जो क्वारी है यहाँ से तकरीबन 8.5 किलोमीटर के ऊपर में है, गवर्नमेंट नोटिफाइड जो क्वारी है उसके बाहर में जो है यहाँ पे जो है इलीगल माइनिंग चल रहा है। इस पर जो है अब जो है यहाँ का जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर है मामा नुतुंग जी को अरुणाचल प्रदेश के जो पीसी चीफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट उनको जो है संज्ञान लेते हैं, जितने भी जो लोग यहाँ पे जो माइनिंग में इन्वॉल्व है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और साथ में ये टोटल नेग्लिजेंस ऑफ डेफो कैलम फॉरेस्ट डिविजन बालुकुंग एंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सेजू सर हु आर अलाउइंग दिस पीपल टू डू इलीगल माइनिंग इन दिस एरियाज ऑफ सेजू सर। यहाँ में जितने भी जो ट्रक्स जो दिखाई दे रहा है सेजुसा से इलीगल टिम्बर्स का ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, भाई कहाँ जाएगा? बोल्डर कहाँ से? सेजुसा भाई बोल्डर कहाँ से लेके आया? सेजुसा टिप्पी है, परमिट है, टिप्पी देखिए जितना गाड़ी व्हीकल्स है अगर ये ट्रक्स अगर डेली अगर यहां से गुजरता है तो नंबर ऑफ ट्रक्स कैन नॉट बी काउंटेड हियर। और भी ट्रक्स लोग आ रहा है, ये जितने भी जो डंपर्स है ये सब असम से आते हैं, अरुणाचल से ये लोग बोल्डर लेके जाता है। आप देख सकते हैं लाइन कितना लंबा है, इसमें तकरीबन जो है कम से कम 100 से ज्यादा ट्रक्स है। भाई आप लोग कहाँ जाएगा? क्वारी जाएगा, क्या लेने? बोल्डर। तो देखिए जो है ऑन साइट में जब हम जो है यहाँ इलीगल माइनिंग को लेके जब रिपोर्टिंग करने आया, देखिए जिस प्रकार से हमारा रास्ता को बंद किया भाई, भाई आपको किसने धमका रहा था? कोई बंद नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, धमका किसने रहा था? रिकॉर्ड हमारे जितने भी जो दर्शक है उनको मैं बता दूं कि जब मैं जो है इलीगल माइनिंग को लेकर जो है जब मैं नदी पर रिपोर्टिंग कर रहा था हमें भी बहुत डराया गया, धमकाया गया। जब हम यहाँ पर जो है सेजुसा में जो है जो लोकल पब्लिक है, लोकल इंडिजिनस जो पब्लिक है उनसे जब इनका बारे में इलीगल माइनिंग के बारे में जब उनसे हमने ऑन रिकॉर्ड में जब बात करने के लिए कहा तो उनका साफ कहना है कि हम कैमरे में जो है नहीं आ पाएंगे क्योंकि जितने भी जो लोग जो इलीगल माइनिंग में जो इन्वॉल्व है वो लोग जो है रुपया पैसा वाला है, वो हमें मार सकता है, पीट सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है। यह कहकर जो है यहाँ का जो जनता जो है हमें जो है एपीएल 24 को जो है ऑन रिकॉर्ड में ऑन कैमरा में इंटरव्यू देने से मना किया है। आप पहुंचे हैं, मेरा कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ऑफिस ऑफ द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट रेंज। दोस्तों हमने जब नदी में गया है इलीगल माइनिंग को लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे जो है ड्राइवर लोगों ने
क्लियरली बोला है कि उनका जो टीपी है, जो ट्रांसिस्ट चालन है, उसको जो है ये जो रेंज ऑफिस का जो स्टाफ है उनको जो है जो जो परमिट होल्डर्स है उनके जो मैनेजर्स है उनके उनको जो है 5-6 दिन पहले ही उनको जो है सरकार का जो चालन है उनके हाथ पे दे दिया जाता है और वो मैनेजर लोग जो है नदी में बैठ के ही वो चालन काट दिया जाता है। चलिए हम जो है यहाँ पर अब 11:30 हो गया, हम ऑफिस में आ पहुंचे हैं क्योंकि बाद में कई बार जो है हम जब रिपोर्टिंग करता है तो लोग कहते हैं कि हम वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं। हम वन साइडेड रिपोर्टिंग करना नहीं चाहता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर है उनका जो वक्तव्य है उनका क्या कहना है उनको जानने के लिए जब हम यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा रेंज ऑफिसर है, सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले सर गुड मॉर्निंग। सर अच्छा सर मैं अभी गया था आपका जो पाखी नदी में सर, तो वहां पे जो है मोर देन 200 ट्रक्स डंपर जो है नदी में जो है सर वो जो उन लोग जो है वहां से बोल्डर उठा रहा है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर ये जुरिडिक्शन असम में सब जुरिडिक्शन एरिया it falls under in the border area. Area is fall 50% the boundary is fall under Assam and 50% boundary is sir आपसे सर on record में बताना चाहूंगा कि हमारे पास में AP 1124 के पास में जो है government notified जो quarry है सर वो जो है आपका government notified quarry है सर गोलोसो में है, आपका ऑफिस से जो है सर वो जो है तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर में है, आपको जितना भी जो माइनिंग करना चाहिए सर उसको गवर्नमेंट नोटिफाइड क्वारी में माइनिंग करने देना चाहिए, बाहर में अलाउ क्यों कर रहे हैं सर? नॉट इज नॉट मेन इज नॉट कंसर्न अंडर रेंज ऑफिस, इट इज अ पोर्स वेयर वेयर देयर इज अ अप्रूव्ड क्वारी इज पोर्स अंडर रेंज अंडर